करीब 15 सालों के पहले सलमान खान की एक फिल्म आई थी लकी नो टाइम फॉर लव। इस फिल्म में उनकी हीरोइन का किरदार स्नेहा उल्लाल ने अदा किया था। फिल्म तो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, मगर ऐश्वर्या की हमशक्ल होने के कारण स्नेहा लोगों में चर्चा का विषय बन गई। और इस पिक्चर के रिलीज होने के कुछ समय पहले ही ऐश्वर्या और सलमान का ब्रेकअप हुआ था। उस वक्त ये ब्रेकअप टॉक ऑफ द टाउन बन गया था। स्नेहा ने अपनी बीमारी के कारण कुछ समय के लिए ब्रेक लिया था। फिल्मों से दूरी बनाने पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में कहा कि मैं कभी सलमान के पास काम मांगने नहीं जाऊंगी। 35 साल की स्नेहा उल्लाल का जन्म 18 दिसंबर 1987 मस्कट के ओमान शहर में हुआ। कुछ सालों में ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो लगातार 4 सालों से गंभीर बीमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित थी। ये खून की बीमारी है जिसकी वजह से वो कमजोर हो गई थी। उनका अपने पैरों पर खड़े होना मुश्किल हो गया था और अपनी इस बीमारी की वजह से ही वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब थी। स्नेहा के मुताबिक वो बीमारी की बदौलत इस तरह कमजोर थी कि शूटिंग करना डांस करना असंभव हो गया था और एक हीरोइन के पैमाने पर खरी उतरने के लायक वो नहीं थी। स्नेहा के अनुसार अपनी इस बीमारी का इलाज कराने के लिए ही उन्होंने ब्रेक लिया था। फिलहाल वे ठीक हो चुकी हैं और फिल्मों में कमबैक के लिए तैयार हैं। स्नेहा सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या की हमशक्ल है, यही वजह है कि सलमान उन्हें इंडस्ट्री में लाए थे। एक इंटरव्यू में फिल्मों से दूरी और सलमान खान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि वे कभी सलमान के पास काम मांगने नहीं जाएंगी। उन्हें इंडस्ट्री में सभी लोग ऐश्वर्या का हमशक्ल मानते हैं। स्नेहा के मुताबिक जब वे एक बार सलमान के घर गई थी तो उनके डॉग्स उन्हें देखकर ऐश्वर्या समझकर भौंकने लगे थे। स्नेहा ने सलमान के साथ फिल्म लकी में सिर्फ 18 साल की उम्र में काम किया था जिसके कारण उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। फिल्म खत्म होने के बाद स्नेहा ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और वे साउथ फिल्मों में बिजी हो गई। स्नेहा के लकी के बाद आर्यन, जाने भी दो यारो, काश मेरे होते, क्लिक, बेजुबान, इश्क और कई फिल्में शामिल है। यह फिल्म फ्लॉप रही। बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप होने के बाद स्नेहा ने साउथ का रुख किया और वे वहाँ काफी हिट साबित हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।